हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए अभी एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है, पता करेंगे कि आने वाले 3 दिन आपकी लाइफ के कैसे रहने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन आने वाले 3 दिनों में। ठीक है, तो जो भी आएगा रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। ठीक है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, ओके, टू ऑफ सोल्स, डेविल, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ एंड लवर्स। ओ वाओ, डेविल एंड लवर्स एक साथ है ये कार्ड, डेविल एंड लवर्स, वाओ। एंड वी हैव द टावर। ओके गाइज, ये तो बहुत सारे मेजर अखाना से कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 कार्ड्स आपके मेजर अखाना से हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स और सन कार्ड भी है हमारे पास, स्टार कार्ड भी है। ओ वाओ, ओके, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ देख रही हूँ, स्टार एंड सन कार्ड एक साथ, चलिए मैं इनको बताती हूँ अभी। ये कार्ड बहुत खूबसूरत आए बॉटम द डेक से। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑनलाइन अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, अभी चल रहा है टावर मोमेंट आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये टावर मोमेंट ख़त्म हो, मतलब बहुतों के लिए, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं क्योंकि जनरल है रीडिंग तो डेफिनेटली, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना ये टावर ख़त्म होने के बाद ये सन आ रहा है आपकी लाइफ में। इट मीन्स पॉजिटिविटी, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। कुछ नया शुरू होगा आपकी लाइफ में, कुछ नया आप करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और जिसमें आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि जस्टिस भी होते हुए देख रही हूँ मैं। और जस्टिस आपको, देखो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं है, लाइफ लेकर जा कहाँ रही है, क्या कर रहे हो लाइफ में, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जस्टिस ही मिलेगा आपको। आप जो भी काम कर रहे हैं जस्टिस, अब आप अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होगा, बुरा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो एक न्यू बिगनिंग तो देख रही हूँ, तो हो मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके ट्विन आपसे बात कर लें या आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लें, क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया पर तो स्टॉक करते हैं, ये 100% है। ये पर्सन आपके पिक्चर्स, आपका स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आने वाले 3 दिनों में हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दे। ठीक है, ये भी है। फिलहाल डेविल और लवर्स एक साथ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके ट्विन फ्लेम आने वाले 3 दिनों में ना, या 3 दिन तक लगातार, क्योंकि 3 दिन का ये टाइम पीरियड है जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप इसके दिमाग पर हैवी रहोगे। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, और मतलब आप काफ़ी इस पर्सन के माइंड में रहोगे और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे आपके बिना, बहुत ज़्यादा अकेला, और कुछ तो ऐसा करेंगे कि ये कुछ भी करके आप तक पहुँचे। ठीक है, यूनिवर्स, क्योंकि देखो अगर सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो सेपरेशन लाने वाले एंजल ही हैं। तो अब जब तक आप एंजल को मना नहीं लोगे, उन्हें प्रूव करके नहीं दिखाओगे कि हाँ आप वर्थी हैं इस रिकन्सिलिएशन के या फिर यूनियन के, तब तक वो होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पर्सन भी अब हार्डवर्क करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं कि कुछ भी कर रिकन्सिलिएशन हो जाए या फिर यूनियन हो जाए आप दोनों का। ठीक है, इस तरीके से अब ये पर्सन भी अपने एफर्ट्स बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा होने वाला है।
और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये पर्सन काफ़ी रूड थे, ईगो था, या इसके कुछ भी एडिक्शंस वगैरह थे, तो इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप ही की तरह ये पर्सन भी अपने टावर मोमेंट से डील कर रहे हैं। लाइफ में काफ़ी कुछ ठीक नहीं है इस पर्सन के भी, और ऊपर से अकेले भी हैं ये पर्सन। इवन अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूजन में हो, आपको चूज करें या थर्ड पार्टी को। तो मैं ये बता देती हूँ कि कन्फ्यूजन में इंसान कब होता है, जब उसे क्लियरिटी नहीं होती, जब उसकी आंखों पे पट्टी होती है, ठीक है, उसको समझ नहीं होती करना क्या है। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे क्लियरिटी भी मिलेगी और ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो ये डेथ का कार्ड बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर ये बता रहा है हमें चेंज, ठीक है, एक नया जन्म हो सकता है आपके कनेक्शन का, आपके पार्टनर के साथ। आपने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, आपको 100% गॉड जस्टिस देंगे, रिवॉर्ड देंगे, आपकी लाइफ में ये ब्राइट सन आ रहा है, ठीक है, आप खुश हो जाइए। डेफिनेटली आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और आप 100% करेंगे, और एक न्यू बिगिनिंग तो मुझे होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ से भी। आप अगर वर्क एरिया में अगर आपके टावर मूवमेंट चल रहा था, आपका बिजनेस, आपकी जॉब कुछ भी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो लगता है उसमें भी आज या आने वाले 3 दिनों में कुछ ना कुछ नया अच्छा होने वाला है, आपको कुछ अच्छा आउटकम मिलने वाला है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, एज वेल एज आपका रिश्ता भी, मैं जिसके भी साथ है वो अच्छा होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है आपके पास, ठीक है, जस्टिस गॉड आपको देंगे, आपकी विशेज पूरी होगी, और जो भी विशेज है वर्क में है या लव लाइफ को लेकर है, और मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, आपके इंट्यूशन आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी विशेज पूरी होने वाली है, लवर से कांटेक्ट होने वाला है, और न्यू बिगिनिंग, ठीक है, न्यू हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपका दिल भी कहता होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि अगर कुछ ऑनलाइन करते हो तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, प्रोग्रेस में देख रही हूँ, या फिर आप ऑनलाइन बहुत कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज वहाँ से मिलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस जो भी करता है तो, या डेफिनेटली अगर आप अपने बिजनेस के लिए आइडियाज देख रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पर, तो कुछ ना कुछ चांसेस है कि आपको वहाँ से अच्छा रिसोर्स मिलेगा और आप फिर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डेफिनेटली अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, और काफ़ी अच्छी आपकी अर्निंग होने वाली है, ठीक है। तो आने वाले 3 दिन बहुत लकी हैं, और क्यों ना हो गाइज, नवरात्रि का टाइम है, ठीक है, और डेफिनेटली तो नवरात्रि के दिन बहुत शुभ होते हैं, दिन सारे ही शुभ होते हैं, लेकिन अभी जो है ना दिन नवरात्रि के बहुत शुभ होते हैं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। सभी लोग अच्छा करिए इस टाइम, माता रानी से आशीर्वाद लें, अपने गॉड जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे आशीर्वाद लें, ठीक है, और अपने काम करें मन लगाकर, क्योंकि मुझे अच्छा आते हुए दिख रहा है। मुझे इस रीडिंग में सिर्फ यही कार्ड एक दिख रहा था जिसमें, जिस कार्ड से मैं खुश नहीं हुई हूँ, लेकिन डोंट वरी, इसके साथ ये डेथ कार्ड यहाँ पर आना, ये प्रेजेंट हुआ है, इट मीन्स आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो डेफिनेटली आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, सबसे पहले तो आप उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। अगर आपका आपके इंट्यूशन आपको कह रहे हैं अच्छा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ में डाउट मत रखिए, ठीक है, डाउट मन से निकाल दो और खुश रहना शुरू कर दो। अगर आपका मन कहता है कि नहीं उस जगह नहीं जाना, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, या फिर जो जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं ये पार्टनर मेरे लिए नहीं है, तो आपके इंट्यूशन को सोच कर ही कह रहे हैं, ठीक है। तो अपनी अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है, ये है मेन चीज, क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत हद तक सही बताते हैं। हमारा मन जो हमसे कहता है वो बहुत हद तक क्लियर होता है और सही बताता है हमें, ठीक है। तो आप में से जो भी लोग अगर ऐसा फील कर रहे हो, पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं कि अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ न्यू बिगिनिंग और अच्छा आउटकम आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, ओके। चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखो आपके लिए क्लियर मैसेज है, आप अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपनी स्टडी पर इस टाइम ज़्यादा फोकस लगाएं, ठीक है, ये क्लियर मैसेज है आपके लिए। अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें, ठीक है, जो भी टैलेंट है, हॉबी है, उस पर वर्क करें, क्योंकि ये टाइम है आपका शाइन करने का। देखो गाइस कॉन्ट्रैक्ट, ये सेम कार्ड है, जस्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
तो आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं, हो सकता है जॉब में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली, या फिर आप टीम लीडर बनने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपकी प्रमोशन होने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरह का भी देख रही हूँ मैं। जस्टिस आपके साथ होगा, अगर आप बहुत टाइम से कम सैलरी पर काम कर रहे थे तो हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है, या आप ही अपने बिजनेस में कुछ ऐसे चीजें अप्लाई करेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपके लिए इस टाइम वर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट टाइम है। इसमें जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स सी मोर डोर टू रोमांस। तो रोमांस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपका आपकी मतलब पूरी तरीके से गुड लक स्टार्ट होने वाला है। वर्क में भी यू नो लॉटरी जैसा कुछ टाइम आ गया, लॉटरी लगने वाली है, और रोमांस भी इसी के साथ आ रहा है, तो ये अच्छी बात है गाइस। इनडिसीजन, ये कार्ड फिर से आ गया, ये टू ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। देखो आप ना, अगर दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। अगर प्यार और वर्क में ज्यादा दिक्कत आ रही है, प्यार की वजह से काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वर्क को चूज कर लो, अपने वर्क पर ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए, अपने करियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों ही आप वर्क में बिजी हो, आपके पार्टनर भी, तो आपको भी वर्क में बिजी होना चाहिए, अपने काम को अच्छे से करना चाहिए ताकि दोनों सेम पेज पर आ जाओ। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अपने वर्क पर ज्यादा फोकस करें रादर देन एनी अदर लव कनेक्शन। एंड टेम्पल पाथ, दूसरी बात यह है कि जितनी भी प्रेयर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, डेफिनेटली गॉड तक पहुंच रही है आपकी आवाज, और अगर आप डेफिनेटली प्रेयर करते रहेंगे, ठीक है, कॉन्टेम्पलेट मेडिटेशन, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे और डेफिनेटली आपको आंसर भी देंगे, ठीक है। तो आने वाले 3 दिन बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ से ना ब्लैक एंड व्हाइट का कार्ड है, तो ये भी मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है डेफिनेटली उनके लिए गुड लक है, यूनियन रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपका जो मेन काम है वो है अपना, आपका वर्क करियर पर ज़्यादा फोकस करें अपने, ठीक है। तो गाइज 3 दिन बहुत अच्छे हैं, गुड लक है आपके साथ, और डेफिनेटली अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके प्रेयर करते रहिए और एक्शन लें अपनी लाइफ में, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।